हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई नो बहुत टाइम बाद मैं वापस से वीडियो ला रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। घर में बहुत काम हो रही थी, मैं काम में फंसा हुआ था। आज मुझे मौका मिला है रिकॉर्ड करने का, तो सबसे पहले ये वाला वीडियो देखते हैं। मैंने अभी तक नहीं देखा है इस वीडियो को, जो है कैरमिनाटी का वीडियो जो बहुत टाइम बाद आया है, एंड MC सलमान फीट बिग बॉस। तो इसमें मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या होने वाला है क्या नहीं, बट डिस्क्लेमर बहुत बड़ा बड़ा दिया हुआ है, तो लेट्स सी। चलो देखते हैं क्या है क्या नहीं। सुबह 8:30 बजे। ओ नेगी, व्हाट यो यार, सांप सुन गया तो अनु। अरे ये क्या है भाई, नहीं बिग बॉस में सब फेकर इधर है। कैसे कह रहा बे, पाकिस्तान भेज देंगे तेरे को। नहीं बोला ब्रो, तू क्यों आ रहे बीच में? छाड़ दे नेगी, होना था वैसी तंदूर बनना है। ज्यादा फालतू मत बोलियो, मार मार का मोर बना दूंगा। दैट्स नॉट राइट, ही कांट से दैट। ओ माय गॉड, दोस्त वोस्त बनाने नहीं आओ यार? मैं तो कह रहे थे बुंड बनाने हैं। बुंड बनाने नहीं, मारने आया। पक पक ओ माय गॉड बिग बॉस, ये लोग जंगली जानवरों की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो कैसे हैं आप लोग? सही है। बॉस बिग बॉस बिग बॉस। सलमान भाई रिवाइटल के डब्बे लाए। भागे ऐसे हैं जैसे आग लग गई हो। अरे कौन बताए, डब्बा एक ही है। इतनी भसड़ मचा रखी है, मधुमक्खी का छत्ता बना रखा है। अब जो होस्ट है उसे होना चाहिए शांत प्रकार का, और सलमान भाई से ज्यादा शांत। अब मैं बोलता हूँ तेरे को, मिल मेरे को कई बार। भाई शांति को रखना है उसे चो तो आओ यार, इससे पहले सलमान भाई गाड़ी निकाले, शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। हमारी पहली बिग बॉसिया है मान्या। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं मैं कौन हूँ, कुशीनगर की रिक्शा ड्राइवर की बेटी या मिस इंडिया रनर अप? रनर अप मतलब आओ, बिग बॉस में ग्लैमर तो होना ही चाहिए। तुझे पता भी है कितने लाखों लड़के को मैं? अबे ये कैसा ग्लैमर है, सकल पे टाइड मार दिया क्या? सपने देखना मुश्किल नहीं होता, बस मेकअप करना आना चाहिए। ना थूत ना आवाज, जान को मिस इंडिया बने बैठी है। सिलेक्शन करने वाला काना था क्या? विनिंग रिएक्शन होता है। तो आपको पता है कैसे करते? नहीं। तो अगर ऐसे होते मिस इंडिया रनर अप 2020 मान्या सिंह, ये क्या बातें हैं भाई, तो जोन आउट हो गए। क्या जलाओ जवाब दे रही है, एपिसोड खत्म करूं, घर जाकर मटन तोड़ूंगा। अरबाज की घरवाली बढ़िया। ओह वो तो छोड़ के चली गई। अरे परसों कोर्ट भी तो जाना है, बहुत टाइम हो गया। वैसे जैकलिन को फार्म हाउस पे भी नहीं बुलाया। अरे क्या कर रहा है सलमान, बैक टू वर्क। हमारी अगली बिग बॉसिया है अर्चना। इसका सबसे एक ही सवाल है, पागल हो गया मैं? नहीं नहीं, इससे पिछली वाली मिस इंडिया थी और ये है मिस बिकनी इंडिया। बिग बॉस में ब्यूटी पेजेंट का कोटा चल रहा है क्या? अब दो अप्सराएं आई हैं तो बिग बॉस का माहौल बहुत खूबसूरत। खत्म। टाट पे क्राउन धर के क्वीन बना दे, टीवी में एड दिलवा दे, सड़कों पे होर्डिंग लगवा दे, मिस इंडिया, मिस अर्थ इंडिया, मिस बिजनेस इंडिया, मिस बिकनी इंडिया, मिस मिस्टर इंडिया। ये वाला सेंस नहीं बना ना, बाकी चार बना गए। अपने दिल की बात सुनते हुए और अच्छाई की राह पे चलते हुए अर्चना फिर कभी नहीं लड़ी। अंडी मंडी शंडी, जो बिग बॉस में ना लड़ा उसकी दीदी अगले की गुत्ती पकड़ ली। क्यों? तुम्हें पूरा एपिसोड नहीं दिखाऊंगा। टिश्यू क्या क्या बर्फ मांग लेता, पेट में चाकू मार देती। शिट, कभी नहीं होगा ऐसा। तो एक बार फिर अर्चना अच्छाई की राह पे चल। अभी देख, औरत जिम्मेदारी आपकी है। औरतें मीठी छुरी होती है, ये खुरपा है, खोद खोद के कलेश ढूंढती है। इसके सर पे कोई बत्ती लगा दो, जैसे ही थोड़ी गर्म हो सारे बनना चालू हो जाए, कम से कम भागने का मौका तो मिलेगा। हमारे अगले बिग बॉसिया हैं ये है, ये है, ये है। इसका पहला नाम है शालीन और दूसरा नाम नुकसान। ये कदर का सनी देओल गुस्सा नहीं परफॉर्मेंस निकाल रहा है, दो दिन फुटेज मिलती नहीं है, दौरा चढ़ जाता है। टीवी एक्टर है ना, मेरे लिए एनफ प्रोवोकिंग है टू बीट द शिट आउट ऑफ एवरीबॉडी ओवर हियर। अबे प्रोटीन बुद्धि, बिग बॉस में रह के बिग बॉस जाने के ऑडिशन क्यों दे रहा है? लेकिन बेचारा क्या करे, बिना स्क्रिप्ट के जवान लड़खड़ा जाती है। बकरी की तरह मिमिया के रहा, सीधे बोलना। मैन, मैन पहले अलमारी था क्या? ऐसे कौन बोलता है, शब्द पकड़े जाते नहीं है। लेकिन लड़की मतलब योर
ड्रेसेस आर वेरी क्यूट। तो चिपक जा फिर। लेकिन एक पे कहाँ रुक रहा है ये? मुझे नहीं बात करनी आपसे। कोई काम कर, नाच ले उसके साथ। ये 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 ओ ये बेटे ये। अब नुकसान से बिग बॉस पे परेशान है बार बार। शाली सिर्फ हिंदी में ही बात कर। नहीं, लेकिन फिर दिस इज अ कन्फेशन रूम, वी आर सपोज्ड टू हैव अ कैंडिड कन्वर्सेशन हियर। अच्छा अच्छा, बिग बॉस एक्सेंट मार रहा मूवी अंग्रेजी में। जय हो नुकसान की। टेबल चेयर के साथ बिग बॉस का कैरेक्टर भी तोड़ दिया। नुकसान बाकी सबसे बहुत ऊपर बैठता है। नहीं सही में, सुबह 8:30 हमारे अगले प्रतियोगी हैं मशहूर रैपर। माइक मुझे दे दो। ये अकेला जो अपना सारा पैसा लेके घूमता है। तेरा सर से पांव तक के भाव क्या है? इट्स लाइक 60-70 लाख। 60-70 लाख। वैसे तो सेलिब्रिटी आते हैं, लेकिन पहली बार बिग बॉस के घर में दहेज आया है। पिलेरी के गहने हटा दो, धोबन का बच्चा ज्यादा साफ लगेगा। हिंदी का इतना बड़ा श्रृंगार पहन रखा है, लेकिन शब्द एक ही आता है जो हिंदी है ही नहीं। शेमड़ी शेमड़ी शेमड़ा शेमड़ी शेमड़ा। चूपा लेते हुए भी शेमड़ा चिल्लाता है क्या? लेकिन क्या फर्क पड़ता है, स्नूप डॉग भी तो ऐसे बोलता है। तू खारी शेमड़, खारी क्या क्या खारी शेमड़ी। अब दिन से रात हो जाती है, लेकिन इसकी धमकियां खत्म नहीं होती। अरे लोखंड वाले, मैं घुस के मारूंगा, निकल ले दे एक बार। अब लंडे का जो घुसेगा आराम से जान सकता है। बाप की औकात है तू आगे दिखा, तेरी माँ की औकात है तू आगे बता। गाली दे रहा है मेरे से, मेरे से गाली देगा, आगे दिखा, आगे दिखा। ऐसा लग रहा है युजवेंद्र चहल बॉल डाल रहा है। नहीं, एक बार ये देखो, फिर ये देखो, अगला कुलेल पे रख के चला देगा। लेकिन भाई ने सोचा अपन भी बॉडी बनाएगा, इसलिए भाई ने कार्डियो करना चालू कर दिया। कार्डियो से नहीं होता है। 100 घंटे चाटे, उसमें से कुल मिला के 20 मिनट इसकी फुटेज होगी, लेकिन फिर भी। And the winner of Big Boss season 16 goes to MC Stan. इसे कुछ होश ही नहीं है, चल क्या रहा है? अबे जिंदगी हो तो ऐसी, वरना जिंदा तो विवेक ओबरॉय भी है क्या? मैं भाई की टीम में हूँ यार, तुम्हें पता मुझे सपने कैसे आते हैं? विकी बहुत खुश लग रहे हो आप, और ये खुशी, आई नो दैट फीलिंग। अब जब भी हमारे रैपर की गुथाई होती है, पता नहीं क्यों साजिद खान उसे सुट्टा पिलवाता रहेगा। चला सिगरेट पी, फिर ठंडा हो जा, चल अंदर आ जा, एक सुट्टा मार। आ कि छोड़ ना, सुट्टा मार, छोड़ ना, छोड़ सुट्टा मार ले बस। कैंसर भी कह रहा हूं, इतनी क्या जल्दी है? नहीं है, बात निकल गई है भाई। हमेशा सुट्टा पिलवाता है क्या? एक काम कर, उसकी गांड में गोल्ड फ्लेक जला दे, क्योंकि नत ऐसे लगा दे उसे तो फिल्टर खा जाता है वो। साजिद खान की कास्टिंग काउच इतनी फेमस है, इससे लौंडिया छोड़ो, लौंडे भी डरते हैं। अरे दिस इज नॉट मी सर, मेरी बात ब्रदर, मेरी सर, मैं कुछ साजिद खान को इंडिया नहीं पसंद है, क्योंकि रशियन डरती नहीं है ना। मेरी नॉमिनेशन से आज तक ना कभी फटी है, ना कभी फटेगी। मेरा नाम साजिद खान है सर। साजिद खान नहीं, सिफारिश खान है, क्योंकि साजिद अरबाज के बहुत क्लोज है। पार्शियलिटी होगी, ये आपस में खेलते रहते हैं, बैटबीन का बॉलबीन की, बाकी सब तो चूतों की तरफ फील्डिंग कर रहे हैं। फालतू के मौके और करण की कॉफी सिर्फ इन्हें मिलती है। क्यों बैठा है? क्यों बैठा है? मुझे क्या मालूम क्यों बैठा है? क्यों फट रहा है? छोड़ ना, सुट्टा मार। हमारा बड़ा पाव, ये है अब्दू फ्रॉम तजाकिस्तान। 20 साल का लौंडा है, पर मेडिकल कंडीशन की वजह से इसकी हाइट छोटी है, लेकिन बिग बॉस वालों को लगा घर में बच्चा है। सुबह 8:30, दोपहर 4:15। लगड़ा नहीं है वो, लेकिन ये लोग दिमाग से पैदा जरूर है। लड़के तो कतई बावड़ी हो जाती है हर छोटी छोटी बात पे। अब्दू ने हक दिया, इतनी सी पोटी, पागल औरत। अब्दू ने भी सोच ली, बच्चा समझ रहे हो ना, बच्चा ही सही। वो कईयों का साइज और देखो, कंडीशन कैसी भी हो, लौंडा तो लौंडा ही रहता है। इट्स अ कॉम्पिटिशन। ये सब क्या हो रहा है? कल को बच्चा बच्चा बोल के अपना अंगूठा ना चुसवा दे। इसके बच्चा होने की इतनी कंफ्यूजन है, किसी ने कोरा पे पूछ रखा है, Does Abdu live with Snow White? ये कौन गेंडू है? कैसे हो सकता है कि 14 दिन से ये बच्चा क्यूट लगते जा रहा है? ना वो छोटा है, ना वो बच्चा है, और नहीं रहता वो स्नो व्हाइट के साथ। साजिद खान की कंपनी आधिकारक है, बेचारा अब्दू भी कॉर्न फ्लेक से गोल्ड फ्लेक पे आ गया। अब सोचो, अगर कप्तान अमरीका के पास शील्ड की जगह बाल्टी हो, पूरा कमोड फेंक के मार देना लड़की के। ये बिग बॉस के एवेंजर्स इतने देसी हैं, इन्हें वायलेंस भी डोमेस्टिक ही पसंद है। अब बिग बॉस में हर लड़की कहती है गर्ल पावर फेमिनिज्म। ओ सॉरी,
टास्क कर ले अब। 100 पुशअप्स कीजिए। हाँ चल ठीक है, ये वाली भी। ये गुड लक निमरित को घोड़ी नहीं बनना था। पुशअप के नाम पे सिर्फ ब्रा पहननी आती, काय बात की गर्ल पावर। अगर ये असली पुशअप्स है तो ये भी असली सलमान खान है। मेरे ख्वाबों में पहले भाई। अब जब सलमान भाई सेक्स करते हैं तो उनके स्पर्म कुछ ऐसे भागते हैं। अरे वो शेरा है भाई। अब इसके तो मार देगा सब एक दूसरे को। अगली ईद पे भाई मुझे काट रहे होंगे। अब जो भी इस वीडियो को लाइक मारेगा उसे मिलेगा 1,00,000 रुपए कैश। देखो मेरे पास छुट्टे नहीं है, सिर्फ 2,000 का नोट है। और भैया माफ कर देना, वीडियो में काफी टाइम लग गया क्योंकि मैंने 100 घंटे सलमान भाई को चाटा। और ये सब मस्ती है, मजाक है, हेट देने की क्या जरूरत है, मत दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो सफेद वाला बटन है उस पे डाउरी फेंक के मारो या दहेज, मुझे नहीं पता, बस शादी हो जानी चाहिए। हा? अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे साइकिल चलाने जाना है, बाय। वो है सौरभ के घर पिज्जा ऑर्डर करते, वो आज भी दाल चावल खा रहा है। बिग बॉस चाहते हैं छोले खाओ, गांड मराओ, इतना इंस्टाग्राम देखते हो, एक काम करो उस पे गांड भी हिला लो। पैसे तो तब भी नहीं कमा पाओगे और पढ़ाई तो सलमान ने भी नहीं करी, तुम कौन सी खेत की मूली हो भाई। ठीक है यार भाई, बहुत सही है, बहुत टाइम बाद इसका वीडियो आया, बहुत सही वीडियो आया, मजा आ गया, बहुत सही इसने निकाला है भाई। लाइक तो बनती है, यस भाई 2.2 मिलियन लाइक्स हो गए इसके, मजाक सेट के। मुझे वीडियो बहुत पसंद आया, आप लोगों को कैसा लगा बताना, एंड लोगों को ये वीडियो कैसी लगी लाइक मार देना अगर अच्छी लगी तो, एंड डिसलाइक मार देना नहीं अच्छी लगी तो। मैं निकलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लाइव स्ट्रीम में, बाय बाय।